एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित ततारपुर मजरा बटोआ गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 22 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान निरख पाल हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राथमिक विद्यालय में लगभग 310 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 700 मीटर सिंचाई रोड एवं सीसी रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 364 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराया है। वह स्कूल में मरम्मत कार्य भी कराया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 25 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 120 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों तथा सीसी रोड के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि के किस नाने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। मेरा नाम सतपाल है, ग्राम प्रधान विकास कार्य कराए हैं। जो भी राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो भी धनराशि मिली है मैंने सही तरीके से काम कराया है। और मेरे गाँव में जो पात्र व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है कम से कम 50-60 पात्र व्यक्ति है। और जो भी मैंने कार्य कराए हैं स्कूल में बड़ा कराया है और शौचालय सही कराए हैं और मैंने अपना गांव ODF करा दिया है। केंद्र मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि भेजें जो मैं गांव में विकास करा सकूँ।